तुम तो डिजर्व नहीं करते हो, अनडिजर्विंग लोग हो, कोटे से आ गए हो, तुम्हारा तो रिजर्वेशन है, तुम्हारे तो मजे हैं, ये चूड़े चमार हैं, ये चूड़े चमार भंगी तो कम नंबरों के भी आ जाते हैं, तुम्हें तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम्हें तो नौकरी ऐसे ही मिल जाएगी, तुम तो सरकार के दामाद हो, तुमने तो देश को ख़राब कर दिया, आता जाता कुछ नहीं है, इनके कपड़े देखो, बातचीत करने का तरीका पता नहीं है, सब हिंदी बोलते हैं, इन्हें अंग्रेजी नहीं आती है। ये सारे सेंटेंस आपको भारत के सारे कॉलेजों में अब सुनने को मिलेंगे, पहले से भी मिलेंगे क्योंकि अब एडमिशन का टाइम चल रहा है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास में एक लड़की का फ़ोन आया और बातचीत हुई, उसने एक वीडियो देखी मेरी, डॉक्टर तड़वी नहीं मारी जाती अगर वो यह सुन लेती तो। वो बहुत रोई कि अगर मुझे ये वीडियो पहले मिल जाती तो मेरी ज़िंदगी कुछ और होती। बातचीत में मैंने उससे पूछा कि क्या बात हुई, उसने बताया कि मेरे माता पिता ने, मदर फादर ने मुझे कभी नहीं बताया कि मुझे शेड्यूल कास्ट में लाया गया है या मैं शेड्यूल कास्ट में रखी गई हूँ, और मैं पढ़ती रही सब लोगों के साथ में, मैं अच्छा पढ़ने में थी, बहुत दबंग थी, सेहत से भी मेरी बहुत अच्छी थी, बातचीत मेरी बहुत अच्छी थी, और क्लास में मैं अव्वल और टॉप रहती थी। तो क्लास में जो हमारा ग्रुप था, वो ग्रुप जब स्टूडेंटों के लिए, शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंटों के लिए या जो छात्र छात्राएं उनके लिए जब ड्रेस आती थी या बुक्स आती थी, तो उनको टीचर कहती थी कि शेड्यूल कास्ट के बच्चे खड़े हो जाएं, जो कोटे के बच्चे खड़े हो जाएं, तो कुछ बच्चे खड़े होते थे और उनको ड्रेस और उनको कॉपी किताबें मिलती थी, तो हम कहते थे कि हमको क्यों नहीं मिलती। और वहाँ जो और लड़कियाँ थीं वो कहती थीं कि ये शेड्यूल कास्ट हैं, ये चूड़े चमार हैं। वहाँ मुझे पहली बार ये पता चला कि चूड़े चमार और शेड्यूल कास्ट कुछ अलग तरह के लोग होते हैं, मगर ये नहीं पता था कि उनकी सोसाइटी में क्या बात है, क्या इज्जत है। मैं भी उनके साथ थी। जब मैं बड़ी हो गई और मैं कॉलेज में गई, तब मेरे माता पिता ने मुझे बताया कि हम शेड्यूल कास्ट में आते हैं, और उन्होंने फिर मुझे शेड्यूल कास्ट के सर्टिफिकेट के साथ में आगे एडमिशन कराया। तो मुझे ये डर रहता था कि मैं कुछ इनहमलेट ना करे, कोई मेरी इंसल्ट ना करे, मुझे कोई छोटा ना समझे, या मुझे अपने साथ से निकाल ना दें, ये डर मेरे मन में रहता था। और इस डर के कारण से मैं कभी नहीं कह पाई किसी से कि मैं शेड्यूल कास्ट हूँ, और मैं थोड़ी डरी डरी, और चूंकि एक मन में डर मेरे बैठ गया कि इनको पता ना चल जाए, ये बात मेरे मन में रहती थी, जिससे मुझे मेरे मन का एक हिस्सा घिर गया और मुझे परेशानी रहती थी। मगर बाद में मुझे पता चला कि क्लास के हर बच्चे को पता था कि मैं शेड्यूल कास्ट के सर्टिफिकेट से आई हूँ और मैं शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में लाई गई हूँ या मैं उसमें रखी गई हूँ। तो क्लास के सारे बच्चों को पता था और मैं समझती थी कि सिर्फ मैं जानती हूँ और किसी को पता नहीं है, मैं इस भ्रम में रहती थी। तो उससे मुझे ये नुकसान हुआ कि मैं अपनी नेचुरल लाइफ को थोड़ा सा नहीं जी पाई उस समय, मगर आपकी वीडियो देखने के बाद में अब मैं उस लाइफ को भी कवर करूँगी, क्योंकि आपकी जानकारी से मुझे बहुत चीज़ें प्राप्त हुई हैं। जितने भी कॉलेज में बच्चे हैं वो मेरी वीडियो जाति वाली या जो जाति के आधारित हैं या डॉक्टर तड़वी वाली है और भी वीडियो हैं, उनको देखते रहें। है क्या कि जब आप कॉलेज में जाएंगे और एडमिशन लेंगे तो आपका फीस कम होगी और आपकी कुछ सीटें वहाँ पे पहले से रिजर्व होंगी। रिजर्व जो सीट होती हैं, आपकी सीटें रिजर्व, वो कोई ऐसा नहीं है कि कहीं खैरात से मिली हुई हैं। भारत में जितने भी लोग हैं उन सबका पढ़ने का राइट है, उन सबको पढ़ना चाहिए, दुनिया के सारे लोगों को पढ़ना चाहिए। सीटें रिजर्व होना किसी देश के लिए, पढ़ाई के लिए शर्म की बात है, देश को चलाने वालों के लिए शर्म की बात है कि देश के बच्चों के लिए पढ़ने के लिए सीटें रिजर्व की गई हैं। बेसिकली होना यह चाहिए कि इतने कॉलेज और इतने स्कूल होने चाहिए कि हमारी सीटें स्कूल और कॉलेजों में हमेशा खाली रहें, 10-5 सीटें, कि और बच्चे आ जाएं तो पढ़ लें, कभी ओवर क्राउडेड ना हो और बच्चे उसमें हमेशा खाली रहें, क्योंकि पढ़ाई हर देश का मूल मंत्र है, जिससे देश डेवलप होता है और दुनिया में सबसे आगे रहता है। पढ़ाने की जिम्मेदारी कंपलसरी इक्वल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दी हुई है, और वैसे भी अगर ना भी दी हुई है तो देश के हर एक आदमी को ये जानकारी रखनी चाहिए कि अगर देश पढ़ेगा नहीं तो
तो अमेरिका चीन से टक्कर लेने का सोच भी नहीं सकता। अगर 1,000 लोग देश में रहते हैं और सिर्फ 5 लोग पढ़ेंगे और 5 लोग अपने आप को काबिल कहेंगे, तो 995 जो लोग हैं वो लोग देश में काम नहीं कर पाएंगे, ढंग से जान नहीं पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे, दुनिया से लड़ नहीं पाएंगे। और जिस देश में सारे लोग पढ़े लिखे हैं वो तो खा जाएंगे, वो तो गुलाम बना लेंगे हमें। इसलिए अगर आपको रिजर्वेशन के तहत सीट मिली है तो वो आपका राइट है, क्योंकि परसेंटेज के हिसाब से आपकी सीट उतनी मिलनी चाहिए, क्योंकि कॉलेजों की, स्कूलों की कमी है। मगर इस कमी के लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं, इस कमी के लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जिनके पास में व्यवस्था है, या जो आपको ये कहते हैं कि आप शेड्यूल कास्ट हैं या बैकवर्ड हैं या रिजर्व हैं या हैंडीकैप्ड हैं या जो भी कहते हैं। क्योंकि कॉलेज खोलिए, कॉलेज खोलने की जिम्मेदारी स्टूडेंट की नहीं है। तो इसलिए रिजर्वेशन से आप परेशान ना हो, रिजर्वेशन में अगर लोग नहीं आ पा रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, वो काम और लोगों का है, उन पर छोड़ दीजिए। आपको लगता है कि आपके कपड़े कहीं निबल हैं या आप महंगे कपड़े नहीं पहन सकते हैं, तो कॉलेज जो होता है वो फैशन परेड ग्राउंड नहीं है। अगर फैशन परेड ग्राउंड में जाना है तो फैशन के परेड के बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आप फैशन परेड में जाइए, मिस यूनिवर्स बनिए, मिस्टर यूनिवर्स बनिए, फैशन के सोच में जाइए, जो पिक्चर आई थी जिसमें फैशन नाम की थी वैसे शो कीजिए। कॉलेज जो होता है वो पढ़ने के लिए होता है, वहाँ आप अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन कीजिए, आप अपना इंटेलिजेंस दिखाइए कि कितने हैं, और आप दूसरों को भी इंटेलिजेंस बनाइए, उनकी मदद कीजिए। आपके अंदर ये गुण आना चाहिए कि अगर आप कुछ जानते हैं तो औरों को भी सिखाएं। औरों की खिल्ली उड़ाने में आप अपने देश के नागरिकों की खिल्ली उड़ा रहे हैं, पाकिस्तान के नागरिकों की खिल्ली नहीं उड़ा रहे हैं आप अपने देश के नागरिकों का उपवास कर रहे हैं। ये पाकिस्तानी नहीं है जिनका आप उपवास कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि जिनका आप उपवास कर रहे हैं वो देश के लोग हैं, तो आप देशभक्त की श्रेणी में आते हैं या देशद्रोह की श्रेणी में आते हैं। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, आपने एडमिशन लिया, और कुछ लोग, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश स्कूलों में पढ़ के आए हैं, तो आपकी कमी नहीं है, क्योंकि देश में एक भाषा के अंदर शिक्षा होनी चाहिए, या दो भाषाएं हैं तो कंपलसरी सबके लिए होनी चाहिए, या तीन भाषाएं हैं तो कंपलसरी सबके लिए होनी चाहिए। रूलर हमेशा अपनी भाषा अलग रखता है और जो लेबर होती है उसकी भाषा दूसरी होती है। आपको गर्व होना चाहिए कि आप भारत की मूल भाषा को जानते हैं, और उन लोगों को शर्म आनी चाहिए वो कैसे देशभक्त लोग हैं जो विदेशी भाषा बोलते हैं और विदेशी भाषा जानते हैं और विदेशी भाषा को सर पे उठा के नाचते हैं। आपको नाचना चाहिए क्योंकि आपको देसी भाषा आती है, आपको गर्व होना चाहिए। इसलिए आप अपनी भाषा में ठोक के बात कीजिए, आप उनकी भाषा को सीखिए, मगर अपनी भाषा, क्योंकि देशभक्त की श्रेणी में वही आते हैं जो देश की भाषा से प्यार करते हैं और देश की भाषा को बोलते हैं और जानते हैं और समझते हैं। इसलिए इसमें इन्फेरिटी की कोई बात नहीं है, इसमें गर्व की बात है कि आपको हिंदी आती है, आप जम के बोलिए हिंदी। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को छुपाइए मत, आप डिक्लेयर कीजिए कि हम भारत के नागरिक हैं, मूल नागरिक हैं, भारत के ओरिजिनल नागरिक हैं, और ये हमारा राइट है, और हम अपना राइट लेना जानते हैं, क्योंकि राइट लेना अच्छी बात होती है। जो लोग राइट नहीं ले सकते, अपना अधिकार नहीं ले सकते, वो निकम्मे होते हैं। लगभग 50% हर कॉलेज के अंदर रिजर्व लोग आते हैं, यानी एससी एसटी ओबीसी, उनकी संख्या 85% है, मगर उनको 50% ही मिल पाता है, 35% फिर भी गैर रिजर्व लोगों को चला जाता है। ये नेचुरल जस्टिस नहीं है। नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि 85% को 85% सीट मिलनी चाहिए, या कॉलेज और स्कूल और खोलने चाहिए, मगर ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए उन जो गैर रिजर्व लोग हैं उनको इस बात के लिए एहसानमंद होना चाहिए कि रिजर्व लोगों ने अपनी 35% सीट उनको दी हुई है, अपना हिस्सा दिए हुए हैं। तो अगर कोई आपको कहे कि आप रिजर्व हो, तो आप ये कहना कि यू आर फ्रॉम माई कोटा, आप मेरे कोटे में से हैं, मैंने अपनी सीटें छोड़ी हैं तो आपको मिली हैं, इसको ध्यान दीजिए। और कॉलेज और स्कूल खोलने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है मिस्टर, कॉलेज खोलने की जिम्मेदारी उसकी है जो देश को चलाता है, ये बात आप ध्यान रखिए और इस बात को जानिए। नंबर कम या ज़्यादा आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नंबर कम या ज़्यादा आना खाली किताब के ऊपर नहीं है। एक किताब को जो बच्चा बहुत पहले से पढ़ के आ रहा है, या घर पे कई बार रिपीट कर लेता है, या जिसके पास संसाधन है, या जिसके घर में सारे पढ़े लिखे हैं, या जिसके घर में एसी टीवी और लाइट है, या जिसने गांव की परिस्थिति नहीं देखी, या जिसके पास बहुत पैसे हैं, गरीबी नहीं जानता, या जो दिन भर पढ़ता है, कोई और काम रोजी रोटी के लिए नहीं करता, या जिसका मानसिक स्तर पहले से डेवलप करके आया हुआ है, उसके नंबर ज़्यादा आएंगे ही।
ये नेचुरल प्रोसेस है, मगर आपके नंबर ज़्यादा आ सकते हैं अगर आप तेज़ी से दौड़ के आगे बढ़ जाएं। करना क्या है कि ज्ञान हासिल करने के लिए फाइव स्टार होटल में नहीं जाना है, ज्ञान हासिल करके आप जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इंग्लैंड के अंदर लैंप के अंदर स्ट्रीट लैंप के अंदर पढ़ा करते थे और उनके पास खाने को पैसे नहीं होते थे तो वो एक टाइम की ब्रेड खाते थे बस खाली, मगर वो पढ़ते रहते थे क्योंकि ज्ञान अर्जन करना ब्रेन से होता है, माइंड से होता है, लग्जरी से नहीं होता है। लग्जरी लोग ज्ञान हासिल करें उनके लिए सुविधा हो सकती है, मगर जिनके पास लग्जरी नहीं है वो भी ज्ञान को हासिल कर सकते हैं, ये ज्ञान की खास बात है। तो आप अगर कॉलेज में आए हैं तो थोड़ा सा नाम ऊंचा कीजिए, अभी मौका मिला है तो पढ़ डालिए सारी किताबें एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, बाकी चीज़ें आपके कदमों में ऑटोमेटिक आ जाएंगी। ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो इसका इस्तेमाल जम के कीजिए। और ये बात ध्यान रखिए कि आपका जो व्यवहार है वहाँ पे सबके साथ में संतुलित होना चाहिए। जो बैकवर्ड क्लास से स्टूडेंट आएंगे, बैकवर्ड क्लास के स्टूडेंट की एक दिक्कत है कि बैकवर्ड क्लास के रिजर्वेशन में ऊपर का नीचे का दोनों हिस्सा होता है, क्योंकि जब रिजर्वेशन में जो पॉलिसी है यानी कास्ट सिस्टम के अंदर जो कास्ट बनी हुई हैं उनमें दो तरह की कास्ट होती हैं, एक होती है अप कास्ट और एक होती है डाउन कास्ट। कुछ लोग अप कास्ट को अपने पास रखते हैं और कुछ लोग डाउन कास्ट ऑटोमेटिक हो जाती है। कुछ लोगों के पास ऐसी होती है कि उनके ऊपर भी कुछ कास्ट है और उनके नीचे भी कुछ कास्ट हैं, मगर एक बहुत कमाल की बात यह है कि ये ऊपर नीचे छोटी बड़ी दाएं बाएं की कास्ट का कहीं प्रैक्टिस ही है, कहीं कोई लिखा हुआ है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई मेजरमेंट नहीं है, ये प्रैक्टिस हवा में बनी हुई है। आपके पास में जो कास्ट दी गई है, आपको थोपी गई है, वो कास्ट छोटी मानी जाती है और कास्टों से तो उसके नुकसान हैं, और जो कास्ट अप मानी जाती है उसके फ़ायदे हैं, ऐसा सिस्टम और प्रैक्टिस बनाई हुई है। मगर आप घबराइए मत, क्योंकि कास्ट आपने नहीं बनाई है, अगर आप बनाते कास्ट को तो कास्ट आप बड़ी बना, तो कास्ट अगर आपने खुद बनाई होती इसलिए आपने नहीं बनाई, मगर कमाल की बात यह है कि आप अपने मदर फादर से पूछेंगे तो उन्हें कास्ट का कुछ नहीं पता, बस वो ढो रहे हैं, और जो इसका कास्ट का फ़ायदा उठा रहे हैं आप उनसे भी पूछेंगे उन्हें भी कास्ट का पता नहीं है। इसलिए आंखों में आंखें डाल के कास्ट का एनिहिलेशन पढ़िए, बाबा साहब की जो किताब है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट उसे पढ़िए, और फिर सामने वाले से पूछिए, क्योंकि आपने तो अपनी कास्ट बनाई नहीं इसलिए आपने तो भूल जाइए, आपको अपनी कास्ट की हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि आपने इसको बनाया नहीं है, मगर सामने वाले से पूछिए जो ये कहता है कि मेरी कास्ट बड़ी है या अपर है या ऊंची है या भारी है, कि वो कैसी है भाई, कैसे बनी है, कैसे काम करती है, सिस्टम क्या है। हो सकता है तीन चार पाँच उस समय बच्चे आएँ और खिल्ली उड़ाएँ, वो एक साथ हो जाएँ और आप मेजोरिटी की बजाय माइनॉरिटी में आ जाएँ और मेजोरिटी खिल्ली उड़ाए मगर वो आपके प्रश्न का जवाब ना दें। आप दोबारा पूछिए, नेट पर ढूंढिए, किताब में ढूंढिए, चर्चा कीजिए। जब आप इसकी चर्चा करेंगे आप जानेंगे तो मेरी गारंटी है, 50 साल का मेरा अनुभव है, मैंने बहुत लोगों से पूछा है जो ये कहते हैं कि हमारी कास्ट ऐसी है वैसी है, एक सिंगल जानकारी नहीं है उनके पास में। कोई कहता है 17.5 गोत्र हैं तो मैं पूछता हूँ आधा गोत्र क्या होता है, कोई कहता है कि ये कास्ट इस ऐसी है तो मैं पूछता हूँ कब बनी कैसे बनी, नाम पूछता हूँ तो उनको नाम नहीं बता पाते कि ये नाम का मायने क्या है और ये नाम कब बना है, किस किताब में है, कोई किताब प्रोड्यूस नहीं कर पाते। बहुत लोगों को मैंने पूछा है कि किसी ज्ञानी का नाम बता दीजिए मैं उससे संपर्क लेता हूँ, कोई किताब बता दीजिए। जितना अध्ययन बाबा साहब ने किया है उतना अध्ययन तो किसी माइकल लाल ने आज तक किया ही नहीं है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को पढ़ लीजिए, उसमें साफ लिखा हुआ है कि ये कास्ट सिस्टम मन पर आधारित है, हवा में आधारित है, इसका फिनोमिना मानसिक रूप से चलता है, ज़मीन पर इसके पैर नहीं हैं। अगर आपने एक बार फूंक मार दिया तो फुर से उड़ जाएगी, और आप डर गए तो ये चुपट जाएगी, ठीक ऐसे जैसे नानी आपको बचपन में कहानियाँ सुनाती है भूत की, और भूत कहीं होता नहीं क्योंकि आप नानी से कहते हैं कहानी सुनाओ कहानी सुनाओ, अम्मा से कहते हैं कहानी सुनाओ, बाबा से कहते हैं कहानी सुनाओ, तो उनको कोई ना कोई कहानी मनगढ़ंत सुनानी पड़ती है, तो वो ऐसी कहानी सुनाते हैं कि आप डरें और सो जाएं, तो वो भूत की कहानी, वो भूत आया, भूत ऐसे गया, भूत ने ये किया। भूत कहीं नहीं होता, मगर वो बचपन का भूत बुढ़ापे तक चलता है। फिर आप भी अपने बच्चों को कहानी सुनाते हैं भूत की, तो आपने सुनी है, वो अपने बच्चों को सुनाते हैं और भूत पक्का हो गया। ऐसे ही कास्ट सिस्टम, जाति सिस्टम है कहीं नहीं, बस ढोते आ रहे हैं। माँ बाप से पूछो तो वो कहेंगे दादा दादी, दादा दादी से पूछो तो उनके माता पिता, ढोते आ रहे हैं, ढोते आ रहे हैं, है कहीं। आप मत ढोइए, आप आँखों में आँखें डाल के ढोइए, और जो आप फार्म भर के इसका फ़ायदा ले रहे हैं ये आपका राइट है, ये आपका नेशनल राइट है, ये राइट लीजिए। आपका राइट 85% का है, आपने 35% का सेक्रीफाइस किया हुआ है, समय आएगा तो वो 85% भी आपको मिल जाएंगे। आप कॉलेज में आए हैं तो पढ़ने के लिए आए हैं,
आप वहाँ गुटखा शराब में ना जाएं। बहुत सारी संगति ऐसी मिलेंगी जो आपको गुटखा शराब पीने के लिए कहेंगी, आपके पास इसके लिए समय नहीं है। जिसको गुटखा शराब पीना है वो बार में जाए, उसके लिए बारशाला और मधुशाला सरकार ने बहुत सारी बना रखी हैं, खोल रखी हैं, उसमें जाएं, उसमें रहें। आप बिल्कुल एक सच्चे नागरिक बने, अच्छे नागरिक बने। कॉलेज में, विद्यालय में पढ़ाइयाँ बहुत कम होती हैं। अच्छे जो स्टूडेंट होते हैं वो अपने घर पे पढ़ते हैं और वो सिलेबस के बियॉन्ड पढ़ते हैं। पढ़ना कैसे होता है, किताब वाली एक मेरी वीडियो है। फिर भी आपका कोई प्रश्न, आपका कोई संबंधित हो तो पूरे देश की यूनिवर्सिटियों में SC ST OBCs के जो प्रोफेसर हैं वो आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। आप नीचे डाल दीजिए वीडियो के नीचे कमेंट्स में, मैं आपको उन प्रोफेसर के नंबर दे दूंगा जो आपकी मदद करेंगे। एसोसिएशन है, यूनियन है जो आपकी मदद करेंगी। पढ़ने के लिए पूरा देश मदद करेगा, पूरी दुनिया मदद करेगी, मगर अगर आप पढ़ेंगे नहीं और पढ़ने का नाटक करेंगे या आप इधर उधर हिलक जाएंगे तो आपकी कोई मदद नहीं करेगा। डरिए मत, काम कीजिए, बढ़िए, देश को आगे बढ़ाइए, देशभक्त बनिए। धन्यवाद।